अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। आज की इस क्लास में हम लोग लॉग के ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एक क्लास में ही सारे चीज़ें कंप्लीट कर दी गई हैं, बिकॉज ऑफ बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आया, साथ ही साथ कमेंट भी किए कि सर अभी और लॉग के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करवाइए। तो उनके रिक्वेस्ट पे, उनके डिमांड पे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो बेसिक रूल वगैरह जो अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जा करके मैथ्स के प्लेलिस्ट से जा करके वो लॉग के जितने भी रूल हैं, जो नियम कानून हैं, वो सभी वहाँ पे जा करके देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो काफ़ी अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लॉग के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है, यदि log बेस 10x इज इक्वल टू वाई है हो, तो log बेस में 1000 x स्क्वायर का वैल्यू, इसका ये कितने के बराबर होगा या इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 2y, ऑप्शन नंबर बी 3y, ऑप्शन नंबर सी है 3/2y और ऑप्शन नंबर डी है 2/3y। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो देखिएगा, हमको मिला है log x बेस 10। तो अगर किसी प्रकार से हम इसको बना दें log x बेस 10, तो हम इसकी वैल्यू बड़े आराम से बता पाएंगे। तो हमको क्या करना है, देखिएगा, हम सबसे पहले तो इसको ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे में लिख देंगे। जैसे ये कुछ ऐसे लिखा होता है, log a बेस b लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, log a बेस b लिखा होता है तो हम कर देते हैं उसको log a बेस में, सॉरी नीचे log b। ठीक है, ऐसे कर देते हैं बेस हटा के। तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, इसको क्या कर देंगे, log x स्क्वायर अपॉन log 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ये पावर आगे चला जाएगा, 2 log x हो जाएगा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 को log 10 पे पावर 3, तो 3 आपका आगे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 log 10। ठीक है, अब देखिए 2/3 log डिवाइड में है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको log, अगर कॉमन लें तो x माइनस 10 यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, या log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम सीधे यहाँ पर log 10, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2/3 को बाहर लिख लीजिए, या log x बाई log 10 को हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे log x बेस 10 की वैल्यू y दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे 2/3y रख देंगे, और यहाँ पे 2/3y ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, log 2 पावर में x प्लस 2 इज इक्वल टू log 16, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा log 2 टू द पावर इतना दिया है, तो इसको भी अगर हम किसी तरह से log 2 के पावर में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले तो पावर में है, तो यहाँ पे आगे ले आके रख देंगे, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई में log 2 इसको लिख सकते हैं, और इसको देखिएगा log 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 4 इसको आगे भेज देंगे, 4 यहाँ हो जाएगा।
ठीक है, तो 4 log 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए log 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 से 2 माइनस कर लेंगे, आपका 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, x बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, जिस रूल से जिस जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उनको करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो फंस जाता है आपसे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग बेस में 4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लॉग एक्स प्लस 2 बेस में 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है x इज इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर बी दिया है x इज इक्वल टू 24, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है x बराबर 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसको लॉग 4 है, बेस में 4 है और लॉग है दोनों तरफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉग 4 को कॉमन लिया जा सकता है, तो बीच में माइनस है, इस कंडीशन में ये किस में आ जाएंगे, डिवाइड में, माइनस रहता है तो डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड रहता है तो माइनस में आ जाते हैं जब लॉग कॉमन लिया जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और नीचे x प्लस 2 यहाँ पे आपका बच जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, log 4 और x, देखिए इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 बन जाएगा और नीचे x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया और log बेस में 4 एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आपको मिल रहा है। देखिएगा यहाँ से अगर लॉग आपको हटाना होता है तो इसको इधर भेज दिया जाता है और जो इधर होता है इसके पावर चढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पे पावर 2 और एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 4 × 16, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab हो तो लॉग ए प्लस बी बाई 3 का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, का मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1/2 log a माइनस log b, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1/2 log a प्लस log b, ऑप्शन नंबर सी दिया है log a माइनस log b और ऑप्शन नंबर डी दिया है log a प्लस log b, ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो इसको किसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया जा सके तब यहाँ पे ए प्लस बी हम किसी प्रकार से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी पे जो स्क्वायर है उसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आप अंडर रूट में दूसरे साइड चला जाएगा, तो इजीली हम यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ बनाने के लिए 2ab यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं और इस साइड ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ जोड़ रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा, तो -2ab करेंगे और उधर भेजेंगे तो वो +2ab हो जाएगा, तो 7ab प्लस 2ab इधर भी हो जाएगा। अब देखिए इसको पूरे को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आप 9ab। अब देखिएगा स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे आप लोग तो a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 9ab इसको लिख सकते हैं आप लोग, तो a प्लस बी यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट में 9ab में आपका 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, ab बच जाएगा। अब देखिए 3 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी पे बी बाई 3 और इज इक्वल टू ab और देखिए अंडर रूट को पावर 1/2 भी बोलते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस बी बाई 3 और दूसरे साइड हो जाएगा, देखिए पावर में है और लॉग ले रहे हैं तो 1/2 आगे आ जाएगा
और लॉग क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए और बी के साथ अलग अलग लॉग लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो लॉग ए प्लस लॉग बी आपका आ जाएगा। देखिएगा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि 1/2 ए और बी दोनों के ही साथ है तो दोनों के लॉग जब अलग अलग होंगे तो यहाँ पे 1/2 दोनों के साथ होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसके तरह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab हो तो लॉग a प्लस 2b। तो यहाँ भी देखिए वही कुछ सेम ही प्रकार का क्वेश्चन है और 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग टू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है लॉग ए बाई टू प्लस लॉग बी बाई टू प्लस लॉग टू और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस 4 log 2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो फटाफट से उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले ए प्लस टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसा कि वहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में देखिएगा वहाँ पे हम लोग ने 2ab ऐड किया था लेकिन यहाँ पे b के जगह पे 2b दिया है तो वहाँ पे जैसे 2ab था यहाँ पे b के जगह पे केवल b नहीं 2b होगा। तो यहाँ पे b के जगह पे देखिए 2ab और b के जगह पे 2b लिख रहे हैं हम लोग तो 2b इंटू ए इंटू 2 होगा यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4ab। ठीक है, 4ab हो जाएगा, हम लोग 4ab जोड़ेंगे और 4ab घटा लेंगे तो 4ab हमने ऐड कर दिया और दूसरे साइड भी 4ab हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर और दूसरी साइड लिख सकते हैं 16ab। ठीक, अब देखिए स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में तो यहाँ पे हो जाएगा 16ab और a प्लस 2b को यहाँ पे लिखा जा सकता है। देखिए अंडर रूट 16 है वो बाहर आएगा 4 बच जाएगा और इधर आएगा तो अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए इसको वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए वहीं पे छोड़ दीजिए और इसको लिख लीजिए 4 अंडर रूट में या ab पे पावर 1/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पे देखेंगे जैसे ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम सजा लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो देखिए लॉग ए प्लस 2b बन गया ये, अब लॉग यहाँ पे क्या हो गया लॉग 4ab या 16ab⁻¹⁰ कर ले रहे हैं हम लोग सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे तो अब क्या करेंगे 1/2 आगे कर देंगे तो यहाँ पे देखिए log a प्लस 2b log 1/2 आगे हो गया तो 1/2 और ब्रैकेट में आपका क्या मिल जाएगा log, देखिएगा सब मल्टीप्लाई में है तो ऐड में आ जाएंगे log 16 प्लस log a प्लस log b। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से कोई आंसर आपको इस समय नहीं दिख रहा है, थोड़ा और मॉडिफाई करके चेक कीजिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 1/2 सब अंदर की तरफ पूरा भेज दीजिए। ठीक है, देखिए एक आंसर यहाँ पे मिल गया है, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 और 4 को हम लोग आगे कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 log 2 log a प्लस log b और 1/2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल गया है मॉडिफाई करने के बाद। तो मैंने कहा था कि मॉडिफाई करने पे ही हमें आंसर प्राप्त होगा कहीं ना कहीं, तो आंसर हमें यहां पर प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है log x प्लस
log 2y is equal to log x plus 2y, ठीक है। अब कह रहा है केवल तभी होगा जबकि केवल तभी होगा जबकि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y अपॉन 3y माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है x इज इक्वल टू 2y अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है x इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी दिया है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले log x प्लस log 2y लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से log हटा देंगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको विदाउट log दिखाई दे रहे हैं, तो log कॉमन ले लीजिए। log कॉमन ले लिए तो आपको मिल गया क्या, देखिए प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, यानी log 2xy यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा log x प्लस 2y। अब दोनों तरफ log 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 कैंसिल हो गया, बचा 2xy इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सेटअप करना होगा जहाँ पे हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से ऐसा कुछ सेटअप बना रहे हैं जिससे हमको क्या मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए। तो देखिएगा 2y इज इक्वल टू हम क्या करें, x माइनस 2xy लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2y यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए x को वहीं पे छोड़ दें और इसको इधर भेज दें इस चीज़ को, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 2y अपन 1 माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस को नीचे अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो 2y अपन 2y माइनस 1 यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहां पे हम आप ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन में 2y अपॉन 2y माइनस 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में एकदम राइट सेम टू सेम दिया है, इस कंडीशन में लॉग की ये वैल्यू आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7 लॉग बेस में 10 16/15 प्लस 5 लॉग बेस में 10 25/24 प्लस 3 लॉग बेस में 10 81/400 का मान बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लॉग 10 3y 125, ऑप्शन नंबर बी दिया है लॉग बेस 10 2 अपॉन 125, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लॉग बेस 10 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है लॉग 10 20, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सब में log 10 दिख रहा है तो सबसे पहले तो इनके आगे के नंबर को हटा देंगे ताकि log आप कॉमन ले सकें। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/15 पे पावर 7 और आगे आ जाएगा log 10, इसी प्रकार आगे आ जाएगा आपका log 10 25/24 पे घाते कितना 24/5 प्लस 3 आप log 10 81/400 ले लेंगे यहाँ पे और इसके पावर ले लेंगे 3, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, log 10 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 16/15 पावर 7, ठीक है, प्लस 25/24 पे पावर 5 प्लस 81/400 पे पावर 3, प्लस नहीं होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्लस है और हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है उसको सही कर लिए यहाँ पे, तो कॉमन ले लिए तो आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप पावर 7/1 तो कैलकुलेट करने में बहुत समय लगेगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 16 × 16 × 16 × 16 × ऐसे, और पूरा इसको पूरा ओपन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि सारा कट जाएगा यहाँ पे, आप अगर अभी ओपन करके ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1
7 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 25/24 को लिख लेंगे, तो इस प्रकार से पूरा आप 25/24 लिख लेंगे और देखेंगे कि एक बार में सब कुछ कट जा रहा है और कट पीट के कुछ आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल जा रही है आपको। तो सिंपली ऐसे में ही कुछ सॉल्व कर लेंगे आप और कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी कट पीट के। तो सबसे सिंपल सा मैं सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, को आपको क्या करना है, सबको ओपन करके लिख लेना है और सब को एक दूसरे से काटते हुए चला जा रहा है। जैसे 5 3 15 तो 5 5 25 आराम से कट जा रहा है। अब देखिए 81 है तो 81 आपका 3 से कट जाएगा, तो जितना 3 बचेगा 3 से 81 कट जाएगा। इस तरह से कट पिट के आपको देखिए इन चारों में से ही कोई ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग सॉल्व करके जरा ऑप्शन बता दीजिएगा ताकि मतलब हम टाइम बचा लें। इस वजह से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको आप अंडर में पूरा सॉल्व करके और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग बेस में बी 1 पे पावर बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है बी, ऑप्शन नंबर सी दिया है बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे पावर में बी दिया है तो उसको हम आगे की ओर भेज देंगे तो बी आपका आगे आ जाएगा और लॉग बी यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो आपको आंसर क्या प्राप्त होता है, आंसर आपको 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, थोड़े से मॉडिफाई करने के बाद आपका बड़े आराम से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यदि लॉग बेस में 1 लॉग 3 लॉग बेस में 4 एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, एक्स का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 81, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 12 यानी 12, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 64, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम किसी प्रकार से लॉग की वैल्यू पीछे से हटाते चले जाएं तो सिर्फ यहाँ पर एक्स बच जाएगा और उधर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वही काम करेंगे हम लोग, लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो होता है ये चीज़ बेस में, इस बेस को यहाँ भेजते हैं और यहाँ जो होता है इस बेस के पावर में चढ़ जाता है। जैसे ये वाला 1 इधर आया और ये 1 इसके ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस में 3 लॉग बेस में 4 और एक्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार लॉग 3 को यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग बेस में 4 एक्स। इसी प्रकार से 4 को आप भेजेंगे यहाँ पे तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे मात्र बच जाएगा एक्स और लॉग हट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुल मिला जुला के 4 के पावर 3 यानी कि 64 आपको यहाँ पे मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम क्या है, एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है लॉग 2 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 4 3 इंटू लॉग 5 4 लॉग 6 5 इंटू लॉग 7 बेस 6 इंटू लॉग 8 बेस 7, ठीक है, बस ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 2 3 के बजाय ए बी सी डी भी दिया हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में कन्वर्ट कर देंगे सबको। जैसे देखिए लॉग 3 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 अपॉन लॉग 2, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं लॉग 4 अपॉन लॉग
log 3 इसको, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं आप log 5 अपॉन log 4, इसको लिख सकते हैं log 6 अपॉन log 5, और इसको लिख सकते हैं log 7 अपॉन log 6, इसको लिख सकते हैं log 8 अपॉन log 7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब एक दूसरे से कटते हुए चल जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लास्ट में क्या बच जा रहा है आपका log 8 अपॉन log 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 log 2 आप log 8 को लिख सकते हैं, और log 2 नीचे, log 2 से log 2 कैंसिल, और यहाँ पे आपको मिल गया 3, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है log बेस 2 8 log बेस 8 4 log 2 4 log 4 बेस 2, और यहाँ है log 2 बेस 4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप वही काम करेंगे, ऊपर नीचे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, log 4 अपॉन log 8 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू log 4 अपॉन log 2 हो जाएगा, और इंटू log 2 अपॉन log 4 यहाँ पे हो जाएगा, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए, log 2 से कैंसिल, log 8 से log 8 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, यहाँ पे log 4 अपॉन log 2 बच गया, तो यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, और यहाँ पे log 2 मिल गया, log 2 से log 2 कैंसिल, और आंसर में आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 मिल गया। तो log 4 को आप कैसे log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हैं log 2 पे पावर 2, और यहाँ 2 जो है इसका आगे आ जाएगा, और 2 log 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लॉग में, लॉग के सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आपको सारा रूल सारा नियम कायदा कानून याद होना चाहिए, बाकी आपको लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा लिया है, और अब इसके बाद लॉग को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और कोई दिक्कत आती भी है तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9076927084, ठीक है, 9076927084, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा, जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।